हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग। वैसे आज का ब्लॉग मैं जो है वो इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ एंड अभी बजे है करेक्ट 7, मतलब 7 के लिए अभी 7 मिनट बाकी है, मतलब 6:53 हो गए हैं। हाँ करेक्ट 6:53 हो गए हैं। एंड तो कैसे हैं आप लोग? कल थोड़ा सा मतलब मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। संडे को सुबह, मतलब सैटरडे को लेट नाइट सोई थी, सोने के लिए 2 बजे थे एंड सुबह फिर आई थिंक नहीं 1:30 बजे थे सोने के लिए एंड सुबह मैं 2:30-3 बजे उठी थी। फिर बाद में पता चला कि हस्बैंड का जाना कैंसिल हो गया है, तो पर अभी उठी हूँ तो सब पूजा वगैरह करना था। बहुत जल्दी सुबह पूजा की थी एंड जैसे आप लोगों ने ब्लॉग में, मेरे पहले ब्लॉग में देखा होगा, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। बट नींद पूरी नहीं हुई थी इसलिए थोड़ा सा आज लेज़ी फील कर रही थी एंड आज फास्ट के लिए मैंने मेरे लिए सिर्फ खिचड़ी ही बनाई है एंड वो तो मतलब दिखाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी दिखाई है। अगर कुछ नया रेसिपी बनाती हूँ मैं फास्ट के लिए तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। पहले देखती हूँ मैडम क्या खाएगी। स्वरा इधर दे, क्या खाएगी बता। वरण भात? अच्छा, उसको दाल राइस खाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आलू का पराठा बनाओ, आपका फेवरेट आलू का पराठा। नहीं क्यों, फिर क्या खाओगे? दाल राइस ही खाना है? पक्का दाल राइस खाओगे? उन्नो देखी दर प्लीज पिल्लू बता ना, फटाफट बना, मैं जल्दी खाना बनाती हूँ। क्या खाएगी, दाल राइस खाएगी? चलिए ठीक है, वो तो दाल राइस खाने के लिए जिद कर रही है, कोई बात नहीं। वैसे उसने 3:30-4 बजे रोटी एंड सब्जी खाई थी तो अभी मैं इसके लिए फटाफट दाल राइस बनाऊंगी एंड मेरे लिए थोड़ी सी खिचड़ी बनाऊंगी। वो देखती हूँ वो भी बना सकती हूँ या नहीं, या फिर थोड़ा सा सूप ही बना लूँगी। वो जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया ना, वो रेसिपी सच में बहुत ही टेस्टी है एंड उसमें अगर आप लोग आलू या एंड टोमेटो डाल के बनाएंगे, अगर आप मतलब कुछ कुछ लोगों को लेना टोमेटो नहीं चलता है फास्ट के लिए एंड ऑब्वियसली मैं भी नहीं यूज़ करती हूँ, तो ऐसे ही कभी खाने का मन करे तो उसमें आप लोग टोमेटो एंड आलू ऐड करके खा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं जाके थोड़ा सा ग्रॉसरी का शॉपिंग करके आती हूँ क्योंकि थोड़ा सा घर में राइस वगैरह नहीं है तो वो लेके आती हूँ। अभी वो जिद करे है पर अभी बहुत थोड़ा सा है, बट उसके लिए थोड़ा सा लाना पड़ेगा अभी। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। थोड़ा सा मेरे काम को एक नज़ारा दिखाती हूँ, ये देखिए इधर देखो, मेरी तरफ देखो। काला हो लेते पाउडर क्या? उसको मैं बोली थी ना राइस लाने के लिए जाना है, तो ये देखो उसने क्या कर दिया। फनी वीडियो। हाँ नहीं बाबा, पेन नहीं, आपको पेंसिल यूज करनी है। पेन का चल पाई जे? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, चल चलिए फ्रेंड्स मैं अभी राइस लेकर आती हूँ। अभी हम लोग स्वरा के लिए जो बनाने वाले हैं वो है, उसने बोला है मुझे वो आपका पीला वाला राइस बनाओ, मतलब जो मैं घर पे पेस्ट बनाती हूँ वो सिर्फ डालना है। एंड ये मैंने एक मीडियम साइज का आलू लिया है, ये देखिए ये, एंड थोड़े से करी पत्ता ले, बस जीरा राई करी पत्ता एंड आलू एंड वो थोड़ी सी मेरी जो जिंजर गार्लिक की पेस्ट है वो ऐड कर दूँगी। तो चलिए थोड़ा सा ही ऑयल डालकर मैं इसके लिए ये खाना बनाऊंगी, बैटर को डालूंगी क्योंकि बैटर फिर बाद में बहुत नफरे करती है।
से कोरिएंडर लीव्स मैं इसमें ऐड कर दूंगी, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं है। ये है आज रात का सौरभ का डिनर एंड ये है मेरी फास्ट की साबूदाना खिचड़ी जो मुझे अभी इतनी बस हुई, मैंने बनाई नहीं है, दोपहर को बनाई थी वही रखी है क्योंकि मैंने दोपहर को खाई नहीं थी। एंड सौरभ का खाने का मन कर रहा था दोपहर को ही, तो इसलिए दोपहर को उसे थोड़ी सी बना के दे दी थी। एंड ये जो अभी मैंने बनाई है ये मेरे लिए, एंड ये है सौरभ की खिचड़ी जो उसने बाद में बोला कि मम्मा थोड़ी दाल डार्क दाल डाल कर खिचड़ी बनाओ, तो इसलिए मैंने, हाँ काय चलो मैं आपको दिखा दूँ उसके नखरे। हाँ इधर आज फटाफट जॉइन कर उनके। तो चलिए गाइस मैं अभी सोरा डिनर, अरे यार ब्लर क्यों आ रहे, हाँ नहीं तो चलिए गाइज। एंड अभी बजे है रात के 11:30 एंड हम लोग जा रहे सोने, आज थोड़ा जल्दी सोए थे क्योंकि दो दिन नींद नहीं हुई है, थोड़ा काम भी ज़्यादा था फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। तो ये देखिए सर, हाय करो सर, गुड नाइट बोलो। अरे वाह, वो फ्लाइंग किसी देना कभी नहीं भूलते, गुड नाइट किसी देना कभी नहीं भूलते। तो फ्रेंड्स चलिए आज आज का कुछ ब्लॉग इतना खास नहीं है, पहले तो मैंने इवनिंग से स्टार्ट किया, देन बस मैडम को थोड़ा सा खिचड़ी बनाया, उसके पसंद है, वो पहले दाल राइस बोला उसने, देन बाद में बोलती है नहीं मम्मा खिचड़ी बना, खिचड़ी बनाने के लिए क्या गार्लिक नहीं क्या वो अनियन मतलब प्याज वगैरह कुछ डाल के नहीं बनाया, ऐसे बनाया तो डर लग रहा था खाएगी कि नहीं, पर नहीं खाया, पसंद है उसको, खिचड़ी कैसा भी बनाए वो बहुत पसंद है। एंड ये देखिए अभी वो सोने की कोशिश कर रही थी, उसका भी नींद आ रही, पर उसके थोड़ी मतलब स्कूल का जो होमवर्क था उसका तो वो रह गया था, मैडम ने अभी पूरा किया है ना थोड़ा। कैसा लगा खिचड़ी, लग्नातला खिचड़ी भात कसा वाटला, ऐसा कर रही है ऐसा सच्ची में बहुत अच्छा था। एक बार इधर देख के बोलो, इधर देख के बोलो, सबको कैसे पता चलेगा तुम सो रहे हो के देख रहे हो, कैसा था, बहुत अच्छा था, ठीक था या बहुत अच्छा था। मतलब उसका फिर से थोड़ा सा क्या, वो खांसी खांस रही हो ना,
है ना, उसको खांसी जुकाम हो गया तो अभी आज थोड़े। मैडम क्या करती है रात में, कभी कर्ड मांगती है कभी छाछ मांगती है, उसके मन का होता है ना। मैं तो कुछ नहीं कहती हूँ क्योंकि मुझे रात को रात के टाइम में दही या फिर छाछ ऐसा कुछ खाना नहीं है, बचपन से मुझे मालूम है, इसलिए हम लोग तो कभी रात को ये नहीं खाते हैं। एंड अनियन भी मुझे ज़्यादा पसंद है, मैं नहीं खाती सब्जियों में ठीक है, पर यह ऐसा ज़्यादा खाना मुझे पसंद है। हाँ अगर अनियन का सलाद क्या बोलते हो तो रायता बनाएंगे ना, टमाटर गाजर एंड खीरा वो सब डाल के अगर रायता बनाए तो वो बहुत अच्छा रहता है, वो चलता है, लेकिन ओनली प्याज नो वे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपका ज़्यादा मतलब ज़्यादा देर और रुकूंगी तो मेरे खुद को खुदा के बंद हो जाएगी और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उन लोगों के लिए सच में थैंक यू, एंड जिन लोगों ने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कीजिए एंड आइकॉन बेल बटन पे क्लिक कीजिए एंड ऑल वीडियो मतलब ऑल पे क्लिक कीजिए तो आपको मेरे डेली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए आज के लिए इतने का, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक नए वीडियो के साथ। बहुत ज़्यादा तो चलिए, गुड नाइट, टेक केयर, दिल दिन, बाय बाय।